हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट का हो पास्ट का हो मैंने हर टेंस में या बता चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहे जो नकारात्मक वाक्य हो उस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा होगा। क्या है यहाँ पे नहीं लगा हुआ है? राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा होगा, मीन्स यह नेगेटिव सेंस शो करता है, नकारात्मक वाक्य बदलाता है। और चूंकि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है इसलिए आपका लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो सीता सुबह से नहीं रो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ओवरऑल यदि हम लोग समझें तो नेगेटिव सेंटेंस उस प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं जो नकारात्मकता, जो नकारात्मक का बोध कराता हो। ठीक है, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के लिए आप लोगों का स्ट्रक्चर होगा आई प्लस सेल प्लस नॉट प्लस हैबिट। याद रखिएगा ये नॉट जो है वो सेल और हैबिट के बीच में लगेगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? आई प्लस सेल प्लस नॉट प्लस हैबिट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फोर्थ प्लस टाइम। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। यदि हम लोग देखें कि राम 2 घंटे से नहीं टहल रहा होगा तो यहाँ पे जो समय लगा हुआ है इसके वजह से यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यदि वही समय को हटा दे तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। ठीक है, और हर कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही यूज होता है। और समय के लिए जो से है उसके लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं, तो जब टाइम निश्चित रहे, सर्टेन रहे, तो उस स्थिति में हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और जब समय अनिश्चित रहे, समय की एग्जैक्ट मालूम ना पड़े, तो उस स्थिति में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस ऑब्लिक फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट में आपका टाइम यूज होगा। ठीक है, लास्ट में आपका क्या यूज होगा? टाइम यूज होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी होता है, वे मीन्स हम लोग होता है। इसके लिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह सेल ही लगेगा। और उसके बाद जो कि नेगेटिव सेंटेंस है तो सेल के बाद आपका नोट लगेगा, नोट के बाद आपका हैबिन लगेगा, हैबिन के बाद इंपोर्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर और लास्ट में टाइम लगेगा। नेक्स्ट सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हम लोग देखें तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू होता है। इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा आई के साथ तो सेल लगता है लेकिन यू के साथ भी लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर होगा सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए वह स्ट्रक्चर होगा यू प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू होता है। यदि इसे हम लोग सिंगुलर में समझें तो इसका मतलब तुम या आप होता है, और यदि इसको हम लोग प्लूरल सेंस में समझें तो उसका मतलब तुम लोग या आप लोग होता है। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर दोनों के लिए स्ट्रक्चर सेम ही होता है, यू प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट एनी नेम होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही सी इट एनी नेम होता है। और इसके साथ भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। तो ही सी इट एनी नेम उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। और चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद आपका नोट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग लगेगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ
वर्ब में आईएनजी जोड़ने से जो वर्ब का फॉर्म बनता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर दे होता है, दे मींस वे लोग, और इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा दे प्लस वी प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है वह भी हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे बनता है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि राम दो घंटे से नहीं टहल रहा होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं राम दो घंटे से नहीं टहल रहा होगा। राम दो घंटे से नहीं टहल रहा होगा। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए राम का राम ही होगा। और हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग विल यूज करते हैं। तो राम के बाद हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल के बाद आपका नॉट लगेगा, उसके बाद आपका हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे वर्ब है आपका टहलना। टहलना का होता है वॉक। और वॉक का फोर्थ फॉर्म यदि वॉक में हम लोग आई एन जी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। क्या हो जाएगा? वॉकिंग। तो इस प्रकार से आपका वॉक का बन जाएगा वॉकिंग। वॉक का क्या हो जाएगा? वॉकिंग। कितने समय से? दो घंटे से। यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फोर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फोर यूज करेंगे। फोर टू आवर्स, फोर टू आवर्स। और यदि यहाँ पे दो बजे से रहता तब वहाँ पे हम लोग सिंस यूज करते, लेकिन दो घंटे से है तो कौन सा दो घंटे से यह यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, यह यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंस यूज ना करके क्या यूज करेंगे? फोर यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो सके। वह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह दो घंटे से नहीं सो रही थी। वह दो घंटे से नहीं सो रही थी। तो वह जो है फीमेल को सो कर रहा है, सो रही थी, मतलब यदि फीमेल के बारे में बतला रहा है तो वह का क्या हो जाएगा? सी। सी भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए सी के साथ भी आपका विल लगेगा। और चूंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए विल के बाद आपका नॉट हो जाएगा। और नॉट के बाद आपका हैव बीन लगेगा। नॉट के बाद क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। और जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब है आपका सोना और सोना का स्लिप होता है। और स्लिप का जब हम लोग आई एन जी एड करेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। इस प्रकार से आपका स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। यहाँ भी समय आपका निश्चित नहीं है, दो घंटे से इस वक्त कब दो घंटे से सो रही है यह समय निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका फोर लगेगा। और फोर के बाद आपका टाइम क्या है? टू आवर्स है। तो लास्ट में आपका टाइम टू आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का जो सेंटेंस बनेगा कि वह दो घंटे से नहीं सो रही होगी, सो सी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के लिए हम लोग सेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आई के साथ याद रखिएगा हमेशा सेल यूज होता है। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बनेगा, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट, नॉट के बाद आपका हैव्बीन हो जाएगा। आई सेल नॉट हैव्बीन। मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई सेल नॉट हैव्बीन। घर में आपका पढ़ना का रीड होता है और रीड में हम लोग आई एन जी एड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा।
जिस प्रकार से आपका जो वर्ब होगा रीड का रीडिंग हो जाएगा और आई सेड नॉट हैव बीन रीडिंग कब से दो घंटे से, यहाँ भी टाइम निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ भी दो घंटे से फोर लगेगा और टाइम आपका टू आवर्स है तो लास्ट में आपका टू आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का जो सेंटेंस बनेगा कि मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ I shall not have been reading for 2 hours. I shall not have been reading for 2 hours. Next example हम लोग देखते हैं, तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे। तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे तो तुम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है इसके लिए आपका यू होगा और यू के साथ हम लोग हमेशा विल यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यू के साथ आपका विल यूज हो जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस नहीं के लिए आपका नॉट लगेगा और चूंकि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है इसलिए नॉट के बाद आपका हैव बीन लगेगा और हैव बीन के बाद आपका जो वर्ब है यहाँ पे क्या तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे तो वर्ब है आपका पढ़ना, तो पढ़ना का रीड होता है और रीड में जब आई एन जी एड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा लेकिन यहाँ पे फोर ना लग के सिक्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम सर्टेन है। जब बात सुबह की दोपहर की इवनिंग की हो तो वहाँ पे उस स्थिति में हम लोग सिंस यूज करते हैं इसलिए यहाँ पे आपका सिंस यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सेंटेंस बनेगा कि तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे तुम लोग के लिए यू हो गया, इसके बाद जो ये फ्यूचर टेंस है तो विल लगेगा और नेगेटिव सेंटेंस नहीं के लिए नॉट लगेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आपका हैविंग होगा और बाहर में पढ़ना तो रीड का बिफोर रीडिंग हो जाएगा और चूंकि टाइम यहाँ पे सुबह से सर्टेन है तो इस सुबह से इसके लिए आपका सिंस लगेगा और आपका कब से है सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का सेंटेंस बनेगा तुम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो क्या है, वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वे थर्ड पर्सन, वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है इसके लिए आपका दे होगा, दे के साथ हम लोग विल यूज करते हैं तो विल होगा और नहीं के लिए आपका नोट होगा और क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है उसके लिए आपका हैपिंग हो जाएगा। They will not happen. उसके बाद शब्द यहाँ है आपका खेलना, तो खेलना का होता है प्ले और प्ले में जब आई एन जी करेंगे तो बिफोर बन जाएगा और इस प्रकार से प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और कब से खेल रहा है? सुबह से, टाइम निश्चित है तो यहाँ पर आपका सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बनेगा कि वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, सो यहाँ पे क्रिकेट छूट गया, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आप लोगों को एज अ होमवर्क, आप लोग इसका यूज करके सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। वॉक, टहलना, रन, दौड़ना, ईट मींस खाना, ड्रिंक मीन्स पीना,
जॉन्स मेंस नाचना स्लिप मेंस सोना विक मेंस रोना। इन सारे हर का यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।